Hello friends good morning to all of you and uh, today in this video we are going to discuss uh, another part related to the module C of the principles and practices of banking so do confirm the audio video quality so that uh, we could proceed uh, kindly please se the audio video quality -ko confirm the class was delayed by 15 minutes due to some technical issues uh, but now it's all working fine uh, and uh, today the class session would be around uh, 45 to 50 minutes So, जल्दी से जल्दी वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए ताकि हम यहां पर वीडियो को स्टार्ट कर पाए एंड फर्दर इन डे वीडियो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट रिलेटेड टू द डब्ल्यू एन इज अ वाइड एरिया नेटवर्क एंड दी Other electromagnetic cards and the media are available in the market right now. Audio video quality is working fine. So let us start the session now. Before starting the session, let me tell you that the full course videos is available at our website iibf.info. You can enroll the courses visiting the website, and you will be getting the full course videos, chapter as previous questions, mock test, mega mock test, epdf notes will be available through our Android application. And that is all that you require for the JIB clearing. Okay. so let us start the session now so it is related to the wide area network to so, wide area network jo hai wo ek large scale computer network hai जैसे कि हमने local area network के बारे में जब बात की थी तो हमने यहां पर बात की थी कि एक सिंगल बिल्डिंग में जो नेटवर्क है वो यहां पर है एंड फॉर द यहां पर जो रेंज हमने बात की थी कि डेट इज वेरिंग अबाउट फ्रॉम 150 फिफ्टी एवरेज रहती है बट यहां पर वाइड एरिया नेटवर्क के केस में जो आपकी रेंज रहती है वो साइजेबल जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर रहती है एंड यहां पर आप टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क के तहत तो आप एक जियोग्राफी को कवर कर सकते हैं इट कैन बी थ्रू द टेरिस्ट्रियल लाइन इट कैन बी थ्रू द सेटेलाइट कम्युनिकेशन तो यहां पर आपकी रेंज काफी ज्यादा बढ़ जाती है द केस कि हम यहां पर एक साइजेबल ज्योग्राफी को कवर कर सकते हैं तो कहने का मतलब है एक काफी ज्यादा बड़ी रेंज इसमें कवर हो जाएगी जो ट्रांसमिशन स्पीड है एंड कैपेसिटी है वो यहां पर लिमिटेड रहती है जो ट्रांसमिशन स्पीड है कैपेसिटी है वो यहां पर लिमिटेड रहेगी क्योंकि आपने बड़े एरिया के ऊपर यहां पर डाटा को ट्रांसमिट करना है एंड फर्दर जो ट्रांसफर रेट है जो ट्रांसफर रेट है यहां पर वो भी यहां पर कम रहेगी जब इसको लैंड के साथ यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कंपेयर करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में वैन एंड लैन का कॉम्बिनेशन जो है वो यहां पर यूज किया जाता है तो यहां पर कॉम्बिनेशन किस तरह से यूज होता है मैं आपको बता देता हूं जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है डाटा सेंटर है ये हमारा डाटा सेंटर है बैंक का अब यहां पर डाटा सेंटर से ब्रांचेस जो है वो दूर दूर भी सिचुएटेड है तो यहां पर टॉवर्स के थ्रू या फिर माइक्रोवेव के थ्रू टॉवर्स लगे होते हैं एंड टॉवर्स में यहां पर जो माइक्रोवेव के थ्रू या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू या फिर जो आपके पास डायलब कनेक्शन है टेरेस्ट्रियल लाइन है उनके थ्रू यहां पर जो डाटा होता है वो ट्रांसमिट किया जाता है एंड फर्दर वो ब्रांचेज में डाटा ट्रांसमिट होता है ठीक तो है तो यहां पर ये टॉवर है टॉवर से ये फर्दर डाटा जो है वो ब्रांचेज में यहां पर ट्रांसमिट हो रहा है ठीक है अब यहां पर ब्रांचेज में जो डाटा है फर्दर यहां पर सर्वर लगा रहता है ब्रांचेस में यानी कि मॉडर्न लगा रहता है ब्रांचेस में जिसके थ्रू यहां पर लैंड केबल के थ्रू जो सिस्टम होते, होते हैं वो यहां पर कनेक्टेड रहते हैं। is network. This is said to be leased line network. जब हम यहां पर dedicated lines का इस्तेमाल करते हैं फर्दर जब कंप्यूटर जो है उनको यहां पर ऑर्डनरी टेलीफोन लाइंस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं तो यहां पर हम लीज नेटवर्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं एंड साथ ही साथ अगर हम जो हमारे पास पहले जो टेलीफोनिक लाइंस थी उनका इस्तेमाल करते हैं इन डैट केस इट इज सेट टू बी वट इट इज सेट टू बी बेसिकली डायलप नेटवर्क उसे हम डायल नेटवर्क कहते हैं एंड connectivity कनेक्टिविटी कैन ऑल्सो भी स्टैब्लिश बाई यूजिंग द सेटेलाइट लिंक एज already टोल्ड यू जैसे आपने ज्यादा जियोग्राफी को कवर करना है तो वहां पर हम सेटेलाइट लिंक का या फिर माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं माइक्रोवेव जो होती है वो यहां पर हाई फ्रिक्वेंसी आपके पास लाइन होती है हाई फ्रिक्वेंसी आपके पास वेव जो होती है इसमें वो कवर की जाती है एंड फर्दर इसमें जो है आप ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर पाते हैं माइक्रोवेव में भी लेकिन इसकी लिमिटेशन होती है ठीक है लेकिन इन द केस ऑफ सैटेलाइट यू कैन कवर अ वाइड ज्योग्राफी ज दट क्लियर एंड फॉर द सिग्नल इन माइक्रोवेव सिस्टम आर ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम अ डिश एंटीना टू अ रिसीविंग डिश एंटीना जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर हम अगर बात करते हैं कि ये हमारे पास अर्थ है तो यहां पर दो एंटीना जो है वो लगे रहेंगे एंड फर्दर वो यहां पर ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रॉम वन एंटीना टू अदर अनदर एंटीना जो डाटा है वो यहां पर ट्रांसमिट किया जा सकता है जो कि डायरेक्ट लाइन में पड़ते हैं ठीक है एंड फर्दर इसमें लगभग यहां पर हम कहें तो 25 माइल्स तक का जो डिस्टेंस है वो यहां पर कवर किया जा सकता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क की कोई भी यहां पर लिमिट नहीं है यहां पर आप जो है काफी ज्यादा बड़ी ज्योग्राफी को कवर कर सकते हैं इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू द वायर टेलीकम्युनिकेशन टेक्स्ट डाटा वॉइस वीडियो इंफॉर्मेशन जो है उनको हम यहां पर रेडियो वेव में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड फॉर द सिग्नल को यहां पर ट्रांसमिट कर दिया जाता है टू द सैटेलाइट एंड सैटेलाइट से वो यहां पर फिर से ट्रांसमिट होता है यहां पर रिसीवर के पास ओके okay, तो यहां पर इस तरह से ये सैटेलाइट जो चैनल है वो यहां पर काम करता है इसके बाद बात आती है रिलेटेड टू द यूपीएस दैट इज अनइंटरप्टेड पावर सिस्टम अन इंटरप्टेड पावर सिस्टम तो यहां पर अब जो यहां पर आपके पास डाटा है जो यहां पर आपका सिस्टम है वो डाटा को स्टोर करता है डाटा की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए कि डाटा जो है वो यहां पर किसी भी तरह से लॉस ना हो जब इवन पावर का लॉस भी होता है तो आपके सिस्टम को यहां पर आपके सिस्टम को क्लीन एंड रिलायबल जो पावर है वो मिलती रहे इसके पर्पज़ के लिए यूपीएस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो ब्लैकआउट है जो ब्राउन ब्राउनआउट्स हैं स्वेल्स हैं सैग्स हैं सर्जीज हैं इंटरफेस है उनसे यहां पर सिस्टम्स को बचाया जा सके इनकेस कहने का मतलब है अगर पावर फेलियर होता है तो अगर आपके सिस्टम के साथ यूपीएस अटैच्ड है तो आपका जो सिस्टम है वो पावर सप्लाई को टेक कर देगा एंड फर्दर फाइल सर्वर जो है वो यहां पर अन अपनी जो है वो कर सकता है एंड फर्दर आपका सिस्टम चलता रहेगा विदाउट एनी विदाउट एनी डाटा लॉस ओके वर्क स्टेशन जो होते हैं एंड फर्दर अगर जो टर्मिनल्स भी होते हैं वो सभी यहां पर यूपीएस के साथ अटैच होते हैं यूपीएस दो तरह के होते हैं एक हमारे पास होता है ऑनलाइन यूपीएस जो इनपुट करेंट सप्लाई है बैटरी चार्जर कम रेक्टिफायर इज देन कन्वर्टेड बैक टू 230 थर्टी वॉट डीसी तो यहां पर इस तरह से समझ के चलिए कि यहां पर सबसे पहले हमारे पास मेन सप्लाई आ रही है मेन सप्लाई जो है वो यहां पर बैटरी को चार्ज करेगी वो यहां पर क्या करेगी जो यहां पर बैटरी है उसको चार्ज करेगी एंड फर्दर आपके पास यहां पर इन्वर्टर लगा हुआ है रेक्टिफायर लगा हुआ है विच विल बी कन्वर्टिंग द डीसी ठीक है बैटरी के अंदर आपके पास डीसी करंट यहां पर स्टोर होता है तो यहां पर एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हुए यहां पर बैटरी में स्टोर कर दिया जाएगा यानी कि बैटरी चार्ज होती रहेगी फर्दर नैटरी से आगे सप्लाई जा रही है नैटरी से सप्लाई जा रही है एंड बैटरी जो है वो तो डीसी करंट यहां पर प्रोड्यूस कर रही है तो डीसी प्रोड्यूस नहीं कर रही है डीसी करंट यहां पर उसके द्वारा दिया जा रहा है तो यहां पर डीसी करंट जो है वो यहां पर रेक्टीफायर के थ्रू यहां पर किसमें कन्वर्ट किया जाएगा दैट मील बी अगेन भी कन्वर्टेड इन टू एसी करंट एंड यहां पर यह सप्लाई आपके टर्मिनल को या फिर वर्क स्टेशन को मिलने वाली है अब इसे ऑनलाइन यूपीएस क्यू कहा जाता है इसे ऑनलाइन यूपीएस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस केस में पर्टिकुलरली आप ध्यान से देखिएगा कि आपकी सप्लाई इवन अगर लाइट है भी इवन अगर ब्लैकआउट नहीं भी हुआ है पावर सप्लाई आपकी मेंस काम कर रही है इन दैट केस आल्सो जो सप्लाई है आपको वो यहां पर बैटरी के थ्रू यहां पर ट्रांसमिट हो रही है वो यहां पर बैटरी के थ्रू ट्रांसमिट हो रही है दैट इज व्हाई इट इज टू बी व्हाट इट इज टू बी द ऑनलाइन यूपीएस इसको ऑनलाइन यूपीएस कहते हैं एंड अगर हम ऑफलाइन यूपीएस की बात करते हैं अगर हम ऑनलाइन यूपीएस में ही यहां पर पावर फेलियर की बात करते हैं तो पावर फेलियर के केस में क्या के के होगा कि अगर आपकी एसी सप्लाई यहां पर नहीं आ रही तो बैटरी में जो यहां पर बैटरी में तो पावर स्टोर है ना तो यहां पर बैटरी से 48 एट वॉट जो है डीसी करंट है वो यहां पर सप्लाई किया जाएगा विच विल बी कन्वर्टेड इन टू टू थर्टी वॉट ए सी एंड देन इट विल बी सप्लाई टू दिस्टम इट से ठीक है तो यहां पर ऑनलाइन यूपीएस जो है वो कुछ इस तरह से इस्तेमाल होता है नॉ लेट इस टॉक अबाउट द ऑफलाइन यूपीएस दैट इज द सेकंड कैटेगरी रिलेटेड टू द यूपीएस तो ऑफलाइन यूपीएस के केस में जो बैटरी चार्जर है एंड इन्वर्टर है दो सेपरेट चीजें हैं जो यहां पर बैटरी चार्जर है एंड फर्दर जो हमारे पास इन्वर्टर है वो दो सेपरेट चीजें हैं जब आपके पास पावर सप्लाई अवेलेबल रहती है मेंस के थ्रू तो सिर्फ और सिर्फ बैटरी चार्ज होगी तो सिर्फ और सिर्फ बैटरी चार्ज होगी जो इन्वर्टर है उसका इस्तेमाल नहीं होगा कहने का मतलब है यहां पर आपके पास इन्वर्टर है एंड यहां पर आपके पास मेन सप्लाई आ रही है जब यहां पर आपके पास पावर सप्लाई आ रही है उस टाइम पर कोई भी कामकाज नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ आपकी जो बैटरी है यहां पर वो यहां पर चार्ज हो रही है सिर्फ और सिर्फ वो आपकी बैटरी यहां पर चार्ज हो रही है करंट यहां पर डायरेक्टली मेन से आपके सिस्टम को सप्लाई हो रहा है बट लेकिन जब यहां पर आपके पास लेकिन जब आपके पास यहां पर जो लाइट है वो चली जाएगी जब आपके पावर मेन्स जो है वो काम नहीं कर रहे हैं उसके केस में यहां पर जो करंट है यहां से तो आ नहीं रहा इन दैट केस द करंट विल बी सप्लाइड बाय द बैटरी टू द इन्वर्टर विच विल बी कन्वर्टेड इनटू द एसी करंट एंड विल बी सप्लाइड टू द सिस्टम इट तो यहां पर इस तरह से ये ऑफलाइन यूपीएस जो है वो काम करता है तो आपने मेन चीज ये समझ के चलनी है कि ऑनलाइन यूपीएस के, के केस में यहां पर जो करंट है वो हर टाइम पर आपका इन्वर्टर के थ्रू ही आपको मिल रहा है जबकि इन द केस ऑफ द ऑफलाइन यूपीएस यहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्लैकआउट के, के केस में पावर सप्लाई जब बंद हो जाएगी उसी के केस में आपको बैटरी से यहां पर करंट सप्लाई मिलेगी इज डेट क्लियर एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू कोर बैंकिंग सो कोर बैंकिंग क्या है जैसे हम सीबीएस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं कोर बैंकिंग सोलूशन का इस्तेमाल करते हैं तो वो बेसिकली किस चीज से रिलेटेड है, है जहां पर जो ब्रांचेज है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल डाटा सेंटर से कनेक्टेड है जो ब्रांचेज है यहां पर वो सिंगल डाटा सेंटर से कनेक्टेड है एंड यहां पर एंड यहां पर सारा का सारा कस्टमर्स का डाटा जो होगा वो ऑनलाइन ही स्टोर किया जाता है सिंगल डाटा सेंटर में ही स्टोर किया जाता है एंड फर्दर चाहे आप ए का इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे ऑनलाइन बैंकिंग नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग ब्रांच सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी तरह की सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं बैंकिंग डिलीवरी चैनल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके केस में यहाँ पर रियल टाइम में जो डाटा है वो यहां पर अपडेट किया जाता है ताकि इंटीग्रेटेड सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा सके तो आपकी जो ऑनलाइन मल्टीपल डिलीवरी चैनल्स हैं जैसे कि डेबिट कार्ड चैनल बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग एक्सेट्रा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के तहत आपको प्रोवाइड की जाती है तो इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सर्विस को ट्वेंटी फोर बाइ से यहां पर प्रोवाइड की जाती है तो यहां पर कंसेप्ट क्या मिलता है सबसे पहले बेनिफिट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो यहां पर डिलीवरी चैनल कस्टमर्स को यहां पर सर्व कर सकते हैं एंड यहां पर That enables the establishment of a reliable centralized data repository for the bank. तो यहां पर आपके पास रिपोर्टिटरी जो है डाटा की वो यहां पर एक ही जगह पर बन जाती है यानी कि पूरा का पूरा कस्टमर्स का डाटा चाहे आपके पास लाखों करोड़ों कस्टमर्स है उन सभी का डाटा आपके पास एक ही डाटा सेंटर में यहां पर स्टोर हो रहा है एंड फर्दर उसके साथ आपकी कॉस्टिंग भी कम होती है एंड मोर ओवर दैट फैसिलिटेट दाटा वेयर हाउसिंग एंड डाटा माइनिंग यानी कि आप डाटा वेयर हाउसिंग और डाटा माइनिंग को इस तरह से समझिए कि आपके पास यहां पर ये यह पूरा का पूरा जो डाटा है ये बेसिकली एक गडाउन की तरह जैसे गडाउन में हम सामान भरते हैं यहां पर डेटाबेस में आप डाटा को लगातार यहां पर भरते जा रहे हैं भरते जा रहे हैं अब उस डाटा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट क्वेरीज के थ्रू उन क्वेरीज के थ्रू हम यहां पर 360 व्यू ऑफ द 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं कस्टमर का कि कस्टमर की क्या-क्या एक्वायरमेंट्स थी कस्टमर क्या-क्या ट्रांजैक्शंस करता रहा है, उसका फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या रहा है, उन सभी चीजों के बारे में हम यहां पर देख सकते हैं वो डाटा माइनिंग से रिलेटेड है कि हम यहां पर उससे डाटा कैप्चर किस तरह से करते हैं ठीक है थीके? तो यहां पर हम बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए इन सभी इन दोनों टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं डेट इज डेटा वेयर हाउसिंग एंड डाटा माइनिंग का इट इज रिलेटेड टू कि यहां पर देखिए अब आपके पास डाटा इंटीग्रेटेड है कि डाटा आपके पास एक ही जगह पर अवेलेबल है तो यहां पर मल्टीपल डिलीवरी चैनल पॉसिबल इसी कारण से हुए पे नहीं तो हम यहां पर यह पॉसिबल कर ही ना पाते कि एक ही समय के ऊपर हम इतनी ज्यादा सर्विसेज़ को प्रोवाइड करवा रहे हैं ठीक है एंड फर्दर इट इनेबल्स सेंट्रलाइज मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन तो हम यहाँ पर सेंट्रली मैनेज कर पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन को डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को एंड हम एक्सक्लूसिवली यहां पर इन्फॉर्मेशन सिस्टम को डिप्लॉय कर पा रहे हैं एंड फर्दर जो भी हाँ पर हमारे पास MIS है उसको एंड एफिशियंटली उसको मैनेज कर पा रहे हैं जो एसेट है रिस्क मैनेजमेंट एक्सेट्रा है क्योंकि हमारे पास सेंट्रलाइज डाटा पूल अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर इन सभी चीजों को भी effectively and efficiently कर पा रहे हैं इज अब इस तरह से सोचिए कि जिस टाइम पर आपके पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी आपके पास यहाँ पर नहीं था, उस जो डाटा था डाटा दस हजार ब्रांचेस अगर तो दस हजार ब्रांचेज में डाटा पड़ा हुआ था उन सभी डाटा को कैप्चर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था बट नाउ इट इज नॉट सो आपके पास जो डाटा है वो एक ही जगह पर है तो आप मोर प्रोफिटेबली यहां पर कामकाज कर सकते हैं बल्स अट्रलाइज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल स्टैंडर्डाइजेशन हो गई है ब्रांच ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की यानी कि अब आपको यहां पर सिंगल सॉफ्टवेयर की तरफ ध्यान देना है एंड फर्दर सिंगल सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हुए आप पूरी की पूरी ब्रांच को आप हर एक पूरे के पूरे बैंक के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं जैसे कि मान लीजिए फिनेकल पहले कोई और वर्जन था जो इन्फोसिस का सिस्टम है यहां पर ठीक है इन्फोसिस के डेवलप किया हुआ सिस्टम यहां पर सीबीएस में इस्तेमाल किया जाता है फेनेकल ठीक है तो यहां पर उसका पहले कोई और वर्जन था अब उसका वेरिएंट इस्तेमाल करके चेंज कर दिया गया तो ब्रांच एंड के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ उसको डिप्लॉय करने के लिए आपको कुछ एक ब्राउजर में चेंजेस करने पड़े आपको सॉफ्टवेयर यहां पर इंस्टॉल नहीं करना पड़ा ठीक है तो लेकिन वो क्या हुआ कि पूरा पूरा आपके पास वन एंड इंस्टॉलेशन तो जो हुई वो यहां पर बैक एंड हुई डाटा सेंटर के ऊपर हुई इज इट क्लियर देन फॉर द फैसिलिटेट्स बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग अब बीपीआर क्या होता है बिजनेस प्रोसेस रिंग इंजीनियरिंग होता है बीपीआर के तहत जो हमारे एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना हम यहां पर उनको नए इनोवेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है तो टू स्ट्रीम लाइन द एग्जिस्टिंग प्रोसेस यानी कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोसेस हैं उनको नई टेक्नोलॉजीज में हम इनोवेटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं देन रिलीव ब्रांचेज ऑफ जॉब लाइक डाटा बैकअप क्योंकि वो सब चीजें डाटा बैकअप हो गया एम आई एस जनरेशन हो गया ठीक है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जनरेशन हो गया अब ये सब चीजें जो है वो यहां पर बैंक के एंड पर ही कर ली जाती है वो यहां पर सॉरी नॉट बैकिंग एंड वो यहां पर डाटा सेंटर के एंड पर ही कर ली जाती है इज डेट क्लियर फॉर रिलीव ब्रांची रिक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर एट देंट्रल लोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रल लोकेशन पर रिक्वाड है एंड सर्वर जो है ब्रांचिज में, में सिर्फ आपको यहां पर मॉडर्न रिक्वायर्ड है जिसके थ्रू यहां पर आपका जो सिस्टम है वो यहां पर और सिस्टम से कनेक्टेड होगा लेकिन जो सेंट्रलाइज सर्वर है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही रहेगा द केस अट्रेक्ट हायर इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग शुरू में तो मोटा खर्चा आएगा क्योंकि आपने पूरा का पूरा सिस्टम डिप्लॉय करना है लेकिन ओवर द टाइम आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि आप यहां पर फुल कपैसिटी को इस्तेमाल कर पाएंगे फुल कैपेसिटी को यहां पर इस्तेमाल कर पाएंगे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी यूज फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन दैट इज ऑल्सो ट्रू रिलेटेड टू दिस एंड नो एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर इंप्लीमेंट ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरफेसेस लाइक एस एफ एम एस आर टीजीएस एनई एफ टी तो क्योंकि यह सब चीजें ऑलरेडी उसमें मौजूद रहती है डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑलरेडी उसमें कवर्डअप रहते हैं तो आपको इनके लिए अलग से यहां पर खर्चा नहीं करना पड़ेगा दैट इज रिलेटेड टू देनिफिट्स रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है सबसे पहली और सबसे ज्यादा जो कॉस्टली रिक्वायरमेंट है डेट इज रिलेटेड टू क्रिएटिंग द पीडीसी डेट इज अ प्राइमरी डाटा सेंटर अब डाटा सेंटर क्या है एक सेंट्रलाइज्ड डाटा पूल है जहां पर सभी ब्रांचेस का जो डाटा है वो सेंट्रली मेंटेन किया जाएगा एंड फर्दर फॉर हाउसिंग द इंटरनल फॉर हाउसिंग द सेंट्रल सर्वर्स फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्योंकि सभी ट्रांजेक्शन जो है वो इंटरकनेक्टेड ब्रांचेस के थ्रू होनी चाहिए तो यहां पर आपके पास ऑनलाइन डाटा सेंटर होना चाहिए फर्दर The central database is used for all the customer centric delivery channels. So, जितने भी central customer centric delivery channels हैं, उनके लिए यहाँ पर central database का इस्तेमाल किया जाएगा, which will be integrated with the CBS, जो कि CBS के साथ integrated है, and for the banks various corporate business requirement इसका purpose के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, central database का ही इस्तेमाल किया जाएगा. अब ये central database जो है, वो 24 by 7 available रहेगा. जो सेंट्रल डाटा बेस है वो यहां पर 24 फोर बाय सेवन अवेलेबल रहेगा एंड फर्दर इसकी मैनिंग भी जो है यानी कि यहां पर जो काम करने के लिए पर्सन चाहिए वो भी आपके पास 24 फोर बाय सेवन चाहिए वो भी आपके पास 24 फोर बाय सेवन चाहिए एंड फॉर द जो स्किल्ड एक्टिविटीज है जैसे कि डाटा एडमिनिस्ट्रेशन होगी जैसे कि हमारे पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन होगी नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड फॉर द जो आपके पास बैकअप्स होगी ये सब चीजें आपकी यहां पर डाटा सेंटर के ऊपर ही की जाएंगी यानी कि ब्रांचेज लेवल पर इन चीजों को करने की जरूरत नहीं है यहां पर किसी ने एक पूछा है रिलेटेड टू एस होता क्या है तो एस जो है डेटा इज ए स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम

क्स्ट इट इज रिलेटेड टू द डी आर एस डेट इज डाटा रिकवरी साइट सॉरीवरी साइट नॉट डाटा रिकवरी साइट अब देखिए यहां पर मैं अगर सिंगल डाटा बेस के ऊपर रिलाई कर रहा हूं मैं यहाँ पर अगर सेंट्रलाइज डाटा सेंटर के ऊपर रिलाई कर रहा हूं वो बात तो यहां पर ठीक है समझ में आती है बट मोर ओवर यहाँ पर मुझे क्या चाहिए एक डिजास्टर रिकवरी साइट भी चाहिए वाई डी आर एस इज रिक्वायर्ड ई डी आर एस इज रिक्वायर्ड क्योंकि यहां पर इनकेस मान लीजिए किसी तकनीकी वजह से या फिर किसी एक्सटर्नल कलेमिटी की वजह से अगर यहां पर मेरे पास जो सिस्टम था वो चलना बंद हो गया है तो यहां पर मेरे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए I should be having a backup plan so as to maintain the continuity of the business activities of the CBS branches अगर यहाँ पर सेंट्रल डाटा के नेटवर्क का फेलियर हो जाता है किसी भी वजह से तो यहां पर मुझे मेरे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए एंड सो एज टू एंश्योर द नॉन स्टॉप फंक्शनिंग ऑफ द ब्रांचेस एंड ऑनलाइन डिलीवरी चैनल क्योंकि अगर यहां पर मेरे पास डाटा सेंटर का नेटवर्क फेलियर हुआ तो एक ब्रांच बंद नहीं होगी पूरा का पूरा बैंक का जो सिस्टम है वो कलेप्स होगा तो ये यह यहां पर मैं चीज नहीं कर सकता हूं तो इसके लिए मुझे यहां पर कोई ना कोई बैकअप चाहिए टू एक्ट एज अ बैकअप फॉर प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड कंटिन्यूइंग प्रोसेसिंग एनवायरमेंट द डिजास्टर रिकवरी साइट इज देयर नेक्स्ट इट इज ए बीपीआर बिजनेस प्रोसेस रेंज रिंग यहां पर इसको थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं लेट इज एल लोकेटेड सो एज टू हेल्प द बैंक टू सु रियलाइन द एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस इन ट्यून विद बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द न्यू टेक्नोलॉजी यानी कि बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग क्या होती है कि बिजनेस के प्रोसेस जो ऑलरेडी चल रहे थे मेरे पास, जो मेरे पास पास जो बिजनेस के चल रहे थे अब टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है तो उनमें किस तरह से उसको इंटीग्रेट करना है बैंक इन टेकिंग द बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस अवेलेबल इन द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म तब तभी आप बेनिफिट उठा पाएंगे ना? अगर बिजनेस प्रोसेस रेंजरिंग है यानी कि पहले जो प्रोसेस था यानी कि बिजनेस की एक्टिविटी मुझे पता था कि बिजनेस में एक्टिविटी क्या हो रही है अब किस प्रोसेस के थ्रू रही है वो भी मुझे पता था लेकिन अब मैं क्या करना चाहता हूं उसके उसको नए यहां पर इंफॉर्मेशन सिस्टम में डिप्लॉय करना चाहता हूं तो वो किस तरह किसके थ्रू होगा दैट विल बी डन थ्रू द बीपीआर वो यहां पर बिजनेस प्रोसेस रेंजरिंग के थ्रू होगा रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर यहां पर चाहिए तो यहां पर आपके पास ब्रांच फंक्शनल uh, मॉड्यूल्स होंगे जो ब्रांच लेवल पर काम करेगा डिलीवरी चैनल रिक्वायरमेंट्स लाइक डिलीवरी चैनल के लिए आपको ए टी एम टेली बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग एंड इंफॉर्मेशन कॉस के लिए आपको सिस्टम चाहिए इंटरफेसिस हैं अलग अलग एस एफ एम एस आरटीजीएस एनई एफ टी हो गया एंड फॉर द टूल्स हैं यहां पर बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए रिपोर्टिंग के लिए ठीक है तो यहां पर ये यह इंफ्रास्ट्रक्चर है सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में अगर नेटवर्किंग की बात करें तो यहां पर आपके पास मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि

मैंने पेपर तो एक ही से लिखना है ना मेरे पेपर तो एक ही से लिखना है लेकिन मेरे पास तीन पेन क्यों है दो पेन मेरे पास रेडेंसी है इनकेस अगर पहला पेन बंद हो जाता है टूट जाता है कोई भी खराबी आ जाती है तो मेरे पास कम से कम दूसरा पेन तो है तो यहां पर तो यहां पर देखिए एक रिडंडेंट आपको नेटवर्क रखना पड़ेगा यानी कि दो सिस्टम्स आपके ब्रांच में यहां पर होने चाहिए तो तो ऐसा करते भी है जो branches है जो वो यहां पर एक लाइन तो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है ठीक है दूसरा वो यहां पर कोई भी और सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके थ्रू वो कनेक्टेड होंगे वो रेडियो आर एफ आई डी भी हो सकता है रेडियो फ्रिक्वेंसीज के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं मे बी थ्रू द मे बी थ्रू द सेटेलाइट कनेक्शन यहां पर कनेक्टेड हो सकते हैं ठीक है तो यहां पर उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है यहां पर इन्होंने बता भी दिया कि आई एस डी एन लिंक का इस्तेमाल किया जा सकता है बैकअप परपज के लिए ओके okay?

तो एटीएम का इस्तेमाल क्या किया जाता है कि प्राइमरीली जो बैंकिंग फंक्शंस यहां पर बैंकिंग फैसिलिटीज पहले प्रोवाइड की जाती थी उन सर्विसेज को अब यहां पर प्रोवाइड किया जाता है यानी कि आप यहां पर कैश को विड्रॉ कर सकते हैं या फिर चेक को कैश को डिपॉजिट कर सकते हैं एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हुए तो यहां पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी जो कि हमारे पास यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पर्सनल हैं डॉक्टर सी रंगा राजन उन्होंने यहां पर रिकमेंड किया था कि ए को इंडिया में सेटअप किया जाए उन्होंने यहां पर रिकमेंड किया था कि ए को इंडिया में सेटअप किया जाए एंड स्टैंडलॉन ए टी जो थे वो यहां पर इंडिया में सबसे पहली बार आए थे नाइनटीन में स्टैंड वो ATM होते हैं जो यहाँ पर किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है सिर्फ और सिर्फ अकेले खुद ही खड़े हैं दो ATM, तो स्टैंडलॉन ए टी एम जो थे वो यहाँ पर आए थे इंडिया में 1990 में एंड फॉर द कस्टमर को ए कार्ड प्रोवाइड किया जाता था साथ में उसको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है पिन जो है वो से प्रोवाइड किया जाता था पिन जो है वो बेसिकली हमारे पास नंबर सीरीज ऑफ रैंडम डिजिट्स है सीरीज ऑफ फोर रैंडम डिजिट्स है जिसका इस्तेमाल एक पासवर्ड की तरह किया जाता है यानी कि आप यहां पर कार्ड को स्वाइप करते हैं या फिर कार्ड को इंसर्ट करते हैं क्योंकि आजकल जो कार्ड होते हैं वो ई चिप बेस्ड कार्ड है तो यहां पर वो कार्ड जो है वो यहां पर आप आ, इंसर्ट करते हुए अपना पिन कार्ड पिन नंबर डालते हैं विच इज वेरीफाइड एट द ए टी एम स्विच आपकी ट्रांजेक्शन वेरीफाई होती है एंड फिर उसके बाद आप यहां पर फर्दर ट्रांजेक्शन करते हुए उसे ऑथोराइज कर पाते हैं इज नॉट क्लियर सो so, जब भी यहाँ पर कस्टमर यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन करता है जब भी कस्टमर यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसको पिन यहाँ पर डालना पड़ता है एंड पिन इज़ वैलिडेटेड बाय द एटीएम एंड फर्दर कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले ऐसा करना पड़ता है एंड पिन नंबर जो है वो आपको सीक्रेट रखना है एंड फर्दर इनकेस अगर यहाँ पर आप पिन है तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं ियस ऑफ द ए सो क्या फायदे हैं यहाँ पर ए टीएम के कस्टमर के लिए क्या फायदा है कि ट्वेंटी फोर बाई सेवन अवेलेबिलिटी है ब्रांचेस तो पांच बजे बंद, बंद हो जाएंगी कैश जो है वो चार बजे बंद हो जाएगा उसके बाद अगर कैश निकालो कैसे निकालेंगे तो वो यहाँ पर ए टी एम कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्वेंटी फोर बाय सेवन इसकी अवेलेबिलिटी रहती है एंड फर्दर ट्रांजेक्शन करने के लिए टाइम कम लगता है क्योंकि जो ए टी एम मशीन है वो जगह जगह यहाँ पर आपकी इंस्टॉल्ड है एंड फर्दर वहां पर इतना रश नहीं रहता है प्राइवेसी रहती है ट्रांजेक्शन की एनी टाइम एनी वेर बैंकिंग है यानी कि मान लीजिए अगर आप कहीं बाहर घूमने भी गए हैं या फिर किसी और एरिया में भी हैं जहां पर आपका बैंक नहीं है लेकिन अगर वहां पर एटीएम है तो वहां पर आप कैश विद्रॉल करवा पाएंगे क्योंकि अब ए जो है वो एन यानी कि जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच है जो यहां पर एनपीसीआई के द्वारा है उसके द्वारा की जाती है तो यहां पर इंटर ऑपरेबिलिटी रहती है तो इन टर्म्स के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे दैट इज रिलेटेड टू एनएफएस दैट इज अ नेशनल फाइनेंशियल स्विच नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जिसके अंडर ये सभी चीजें कामकाज करती है, तो NFS यहाँ पर NPCA के के जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो कि दूसरे बैंक्स के द्वारा इशू किए गए तो कहने का मतलब है कि ये यह यहां पर इंटर ऑपरेबिलिटी से रिलेटेड है फर्दर अदर एटीएम सर्विसेज आर अदर एटीएम आर कि आप यहां पर कैश को निकालने के साथ साथ चेक जो है वो डिपॉजिट करवा सकते हो अपना बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हो चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हो रिसेंट हम हम अपनी जो ट्रांजेक्शन है उनको देख सकते हैं यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं तो ये सब फैसिलिटीज भी हमारे पास इस केस में अवेलेबल रहती हैं एंड फर्दर अगर हम यहाँ पर बैंक की बात करते हैं तो बैंक के लिए बेनिफिट क्या रहेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द एटीएम इज क्वाइट लोअर तो यहां पर एटीएम को सेटअप करने की जो कॉस्ट रहती है वो हमारे पास कंपेरिटिवली जो है वो कम रहती है यहाँ पर वो क्या है हमारे पास कंपैरेटिवली हमारे पास यहां पर कम रहती है कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो भी यहां पर कम है देखिए नई ब्रांच को सेटअप करना वो काफी डिफिकल्ट है वो क्या है काफी डिफिकल्ट है लेकिन यहां पर एटीएम को कम पैसे में यहां पर हम सेटअप कर सकते हैं एंड फर्दर कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन यहां पर कम पड़ेगी एंड फर्दर माइग्रेशन ऑफ रूटीन ट्रांजेक्शन टू द एटीएम अगर जो आपकी रूटीन की ट्रांजेक्शन है जब आपने एटीएम ओपन कर दिए वो लोगों ने अब जाकर के एटीएम से पैसे निकाल लिए आप इस तरह से सोचिए कि यहां पर जिन लोगों ने एटीएम के थ्रू पैसे निकाले विच इज अट लार्ज नंबर वो लोग नहीं तो ब्रांच में आते वो लोग नहीं तो ब्रांच में आते ट्रांजेक्शन करने के लिए तो अल्टीमेटली जो स्टाफ की ऑक्यूपेंसी है वो यहां पर कम होती है स्टाफ को और ज्यादा प्रोडक्टिव काम में हम यहां पर लगा सकते हैं एंड फर्दर जो एटीएम है वो यहां पर एक टच पॉइंट की तरह काम करते हैं वो क्या है एक टच पॉइंट की तरह काम करते हैं टच पॉइंट का मतलब क्या रहता है जहां पर कस्टमर बैंक के टच में आता है ठीक है जब हम 360 डिग्री व्यू की बात करते हैं ना यानी कि कस्टमर यहां पर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसके केस में हम यहां पर ये देखते हैं कि कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है कस्टमर का क्या फ्लो है तो हम यहां पर कस्टमर को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं ऑन द डिफरेंट टच पॉइंट तो डिफरेंट टच पॉइंट कौन से हैं जैसे कस्टमर ब्रांच में आया कस्टमर ने एटीएम का इस्तेमाल किया कस्टमर ने इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल किया तो जो भी प्रोडक्ट को हम क्रॉस सेल करना चाहते हैं उनके रिलेटेड हम एडवर्टीजमेंट जो है वो शो कर सकते हैं जैसे एटीएम ट्रांजैक्शन करते हुए कस्टमर को अगर हमने किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में स्क्रीन के ऊपर शो किया तो इट विल क्रिएट एन इमेज द माइंड ऑफ द कस्टमर ठीक है तो यहां पर क्रॉस सेलिंग के काम भी यहां पर आते हैं एंड फॉर द इनेबल टू डिस्प्ले द प्रोडक्ट्स ऑन द स्क्रीन एंड सर्व एज अ मीडिया फॉर पब्लिसिटी एंड फॉर द लेस है जो यहां पर जोखिम था वो यहां पर काफी ज्यादा कम हो जाता है अंडर द ए टी एम एंड फॉर द

जब यहाँ पर एटीएम जो है वो यहाँ पर बैंक के डेटाबेस से कनेक्टेड होते हैं एंड फर्दर वो यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर कस्टमर के अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं तो डेट एटीएम उसे हम ऑनलाइन एटीएम कहते हैं एंड फर्दर यहाँ पर एक डेली की कैश विड्रॉल की लिमिट रखी गई है ताकि हम रिस्क को कवर कर पाए ताकि हम रिस्क को कवर कर पाए रिस्क को कम कर पाए एंड फर्दर जो लिमिट होती है डेट इज मोनिटर्ड एट द एटीएम स्विच वो यहां पर एटीएम स्विच पर मॉनिटर होती है तो आजकल के जो एटीएम टी एम होते हैं दो हजार याद रखिए ऑनलाइन एटीएम वो एटीएम है जिसके थ्रू यहां पर बैंक का डाटाबेस है उसके साथ वो कनेक्टेड है एंड वहां पर कस्टमर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं इज रिलेटेड तो इसका पर यहां पर यह समझ लीजिए कि वर्किंग किस तरह से रहती है तो मान लीजिए यहां पर आपके पास ये ऑनलाइन एटीएम है अब ये ए जो है ये यह यहां पर स्विच है, वहां पर ये ATM जो है वो यहां पर कनेक्टेड है एंड फर्दर एंड फर्दर नेशनल फाइनेंशियल स्विच का मेन परपज क्या है जैसे मान लीजिए यहां पर आपके पास बैंक का कार्ड था ए बैंक का एटीएम है बी बैंक का आप यहां पर कार्ड आपने यहां पर कार्ड जो है इस्तेमाल किया ए बैंक के बी बैंक के एटीएम है उसके केस में क्या होगा उसके केस में आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो नेशनल फाइनेंशियल स्विच के पास जाएगी नेशनल फाइनेंशियल स्विच बेसिकली इस तरह से समझ लीजिए कि आपको ए बैंक के जो एटीएम स्विच है उसके साथ जोड़ देगा ये ए बैंक का जो स्विच है, है, है वो यहां पर वेरीफाई होगा एंड फर्दर उसके बाद से एंड फर्दर उसके बाद से अगर ये ऑथेंटिकेट हो जाता है तो फर्दर यहां पर ये ट्रांजेक्शन को अपनी ऑथेंटिकेट कर सकता है इज क्लियर तो ये यहां पर सिस्टम रहता है जस्ट फॉर योर नॉलेज ओके ऑफलाइन की अगर हम बात करते हैं तो ऑफलाइन के केस में एटीएम जो है वो यहां पर बैंक के डेटाबेस के साथ कनेक्टेड नहीं रहता है तो उसे हम ऑफलाइन एटीएम कहते हैं इस मोड में जो विड्रॉल्स है वो यहां पर एक प्री फिक्स्ड लिमिट तक ही यहां पर अलाव की जाती है यह कि एक प्री फिक्सड लिमिट आपको दे दी जाएगी एंड उसके बेस पर ही आप यहां पर जो ट्रांजेक्शन है वो कर पाएंगे इर रिस्पेक्टिव ऑफ द बैलेंस अवेलेबल इन द कस्टमर अकाउंट यानी कि आपके अकाउंट में कस्टमर में कस्टमर के अकाउंट में, में बैलेंस कितना भी हो चाहे आपके अकाउंट में हंड्रेड रुपीज है लेकिन अगर आपको पांच हजार की लिमिट दी गई है तो आप यहां पर ऑफलाइन एटीएम के केस के में पांच हजार तक का जो बैलेंस है वो यहां पर विड्रॉल कर पाएंगे लेकिन अब यहां पर ये ऑफलाइन जो एटीएम होते हैं वो यहां पर इस्तेमाल नहीं होते हैं देन इट इज अ केस रिलेटेड टू स्टैंड लॉन एटीएम When ATM is not connected to the ATM network, जब यहां पर आपका जो ए है वो यहां पर ए टी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है तो उसे हम स्टैंड कहते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया में यहां पर स्टैंडल ऑन एटीएम है वो नाइनटीन नाइनटीज में आए थे ठीक है तो यहां पर इस केस में जो ट्रांजेक्शन है दो आर रिस्ट्रिक्टेड टू द कस्टमर्स ऑफ द एटीएम ब्रांच एंड इट्स लिंक्ड ब्रांचिज ओनली ठीक है तो यहां पर जैसे मैंने आपको कहा कि इंटर ऑपरेबिलिटी रहती है तो वो इंटर ऑपरेबिलिटी यहाँ पर स्टैंडल ऑन एटीएम केस में नहीं रहेगी तो जब यहां पर एटीएम ने अपनी अपेयरेंस दी थी इन द इंडिया तो यहां पर जो हर एक बैंक था उसका अपना अपना ए स्विच था यानी कि वो खुद खुद खुद, खुद अपने ए के नेटवर्क को मेनटेन कर रहा था लेकिन जियोग्राफिकल एरिया बड़ा होने की वजह से प्लस नंबर ऑफ जो बैंक है वो ज्यादा होने की वजह से ऐसा तो पॉसिबल नहीं था कि यहां पर इतने ज्यादा ए सेटअप कर लेते जैसे ब्रांचे सेटअप की गई सेट है क्योंकि उसकी कॉस्ट डेफिनेटली भी ज्यादा हो जाती है तो यहां पर सबसे पहले यहां पर समाधान नाम का एक सिस्टम जो था वो यहां पर बनाया गया था यहां पर आईबीए के द्वारा जो बनाया गया था एंड फर्दर उसके बाद यहां पर नेटवर्किंग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया एंड फर्दर फिर उसके बाद यहां पर आई डी आरबी ने आई डी वीआर ने यहां पर सेटअप किया था एन एफ एस जिसको दो हजार आठ में एनपीसीआई ने यहां पर ओवरटेक कर लिया था तो वो फर्दर हम पढ़ेंगे बट नाउ इट इज रिलेटेड टू नेटवर्क ए टीएम तो नेटवर्क ए टी एम वो ए टीएम रहते हैं जो यहाँ पर ए टी एम के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है जो यहां पर ए टी एम के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है तो उन्हें हम क्या कहते हैं नेटवर्क ए टी एम कहते हैं एडवांटेज जो रहता है नेटवर्क का उसके केस में कार्ड होल्डर जो है वो यहां पर इंटर ऑपरेबिलिटी कर सकता है यानी कि किसी भी बैंक के ए टी एम में जाकर के या फिर वाइट लेबल ए टी एम जो रहते हैं उनमें जाकर के वो यहाँ पर ट्रांजेक्शन को ट्रांजेक्ट कर सकता है इज डर तो यहाँ पर जो नेटवर्क ए टी एम है दो एक्चुअली परमिट द एनी वेयर एनी टाइम बैंकिंग कैश डिस्पेंसर जो है एक ए टी एम का ही कांटा छांटा वर्जन है कैश डिस्पेंसर केस में आप सिर्फ और सिर्फ यहां पर कैश को ही डिस्पेंस कर पाएंगे कैश विद्रॉल ही कर पाएंगे और कोई सर्विस जो अपने यहाँ पर एटीएम केस में पड़ी वो सर्विस आपके पास अवेलेबल नहीं रहेंगे देन इज रिलेटेड टू द नेटवर्किंग ऑफ एटीएम तो नेटवर्किंग ऑफ एटीएम के बारे में हमने बात की तो देट इज रिलेटेड टू ऑप्टिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ द एटीएम मैंने आपको सिंपल सिंपल बता दिया यहां पर कि जब भी हम यहां पर अब देखिए जब तक यहां पर नेटवर्किंग नहीं थी यानी कि हर एक बैंक के अपने अपने एटीएम टी सिर्फ वहीं पर ट्रांजैक्शन होगी सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड जो यहां पर आपकी कनेक्टेड ब्रांचेज है नॉट इवन रिलेटेड टू की सभी ब्रांचेज उसी बैंक की सभी ब्रांचेज सिर्फ और सिर्फ जो नेटवर्क में कनेक्टेड ब्रांचेज है सेम ब्रांच के नेटवर्क में जैसे मान लीजिए यहां पर ये यह मेरे पास एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है एंड यहां पर इस एरिया में जितनी भी ब्रांचेस आती हैं वो आपस में कनेक्टेड है लेकिन ये ब्रांच कनेक्टेड नहीं है तो यहां पर जो इन ब्रांचेस के कार्ड होल्डर होंगे वो यहां पर इन ए में जाकर के ट्रांजैक्शन कर पाएंगे लेकिन अगर कोई इन यहां का कार्ड होल्डर यहां पर जाकर के ट्रांजैक्शन करेगा तो वो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगी बिकॉज उसकी नेटवर्किंग नहीं हो पाई है ठीक है तो यहां पर इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द इंटर ताकि इंटरअप्रेबिलिटी हो पाए डिफरेंट डिफरेंट यहां पर जो क्लस्टर है वो यहां पर बनाए गए नेशनल लेवल के ऊपर एंड फर्दर उनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया दैट वॉज डन थ्रू द आईडी आरबी तो आईडी

तो एज आई टोल्ड यू कि NPCI ने यहां पर लेटरनर्स को एक्वायर कर लिया था एंड फर्दर यहां पर आपके रेफरेंस के लिए बता दे रहा हूं कि NPCI ने NFS को टेक ओवर कर लिया था इसके ऑपरेशंस को ओवर कर लिया था इन द uh, 2009 नॉट इन 2008 इट वाज टेक ओवर बाय द NPCI इन 2009 तो IBA ने यहां पर स्वधान नाम का एक नेटवर्क जो है वो यहां पर इशू यहां पर लॉन्च किया था वॉज टू शेयर्ड पेमेंट नेटवर्क सिस्टम इज शेयर्ड पेमेंट नेटवर्क सिस्टम और स्वाधान नेटवर्क जो है वो यहां पर इशू किया था जो कि इसके मेंबर बैंक से मुंबई में वो यहां पर कनेक्टेड थे जो कि इसके मेंबर बैंक थे वो यहां पर इसके साथ कनेक्टेड थे लेकिन इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 2003 में ओके सो ए इन इंडिया

तो यहां पर आपके पास वीडियो डिस्प्ले मॉनिटर रहता है यू आर हैविंग द की और की इन इट टच स्क्रीन हमारे पास यहाँ पर है डिफरेंट स्लॉट्स रिलेटेड टू द आप यहाँ पर ए के रिलेटेड जो भी यहाँ पर डिफरेंट स्लॉट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे एंड फॉर द इसमें हमारे पास एक कार्ड रीडर है हमारे पास एक इनवेल्ड डिस्पेंसर है देन रिलेटेड टू कैश डिस्पेंसर है वी आर हैविंग द डिपॉजिट स्लॉट ओवर ईयर वो डिपेंड करता है कि आपके ए में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उसके हिसाब से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे अदरवाइज़ अगर नॉर्मल चीज देख मिले तो आपको यहां पर कार्ड रिटर मिल जाएगा एंड यू बी हैविंग द कैश डिस्पेंसर ओवर हियर जिसके थ्रू आपको कैश को डिस्पेंस कर सकते हैं कैश कैश को विद्रॉ कर सकते हैं ओकेटेड टू द अपडेट तो यहां पर अपडेट्स की अगर बात करते हैं तो यहां पर आज की डेट में ओटीपी बेस्ड यहां पर ट्रांजेक्शन को स्टार्ट कर दिया गया है ताकि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना हो यानी कि जैसे भी आप ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आपको ओटीपी आएगा ओटीपी आने के साथ आपको वो ओटीपी यहां पर एंटर करना पड़ेगा इन दी एम मशीन एटसल जिसके साथ जो ट्रांजेक्शन है वो यहां पर वेरीफाई होगी इसके अलावा एटीएम के ऊपर यहां पर पर डे लिमिट भी यहां पर लगा दी जाती है जो कि बैंक्स के द्वारा डिसाइड की जाती है डेट इज ऑल्सो कि आपके जो ए है उसमें उसका अनऑथराइज एक्सेस करते हुए ज्यादा पैसा विद्रॉ ना किया जा सके इज डेट क्लियर फर्दर अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द रेगुलेशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे कि रेगुलेशन में चेंजेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अब कस्टमर जो है वो यार इंटाइटल्ड है कि वो यहां पर तीन फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन का ही इस्तेमाल कर पाएंगे इंस्टेड ऑफ द फाइव फ्री ट्रांजेक्शन यानी कि पांच फ्री ट्रांजेक्शन उनको नहीं मिलेंगी उनको यहां पर तीन ट्रांजेक्शन ही मिलेंगी एंड ये जो रूल है डेट इज एप्लीकेबल टू द कस्टमर्स इन बैंगलोर मुंबई चेन्नई कोलकाता दिल्ली एंड हैदराबाद ओके एंड फॉर्द यहां पर आपको बता दूं कि ये जो फ्री ट्रांजेक्शन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सभी शामिल होंगी एंड मैक्सिमम फीस जो यहां पर चार्ज की जा सकती है डेट कैन बी रुपी ट्वेंटी पर ट्रांजेक्शन यानि फ्री ट्रांजेक्शन की कैटेगरी के खत्म होने के बाद जो यहां पर फीस आपसे चार्ज की जाएगी फॉर द ट्रांजेक्शन डेट विल बी रुपी ट्वेंटी पर ट्रांजेक्शन डेट कैन बी रुपी ट्वेंटी पर ट्रांजेक्शन

दे डू एक्ट एज अ पर्सनल बैंकर तो यहां पर एच्ल्यू एचडब्ल्यू ए के का बेनिफिट यह है दैट इज रिलेटेड टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन हाई अवेलेबिलिटी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑटो रिकवरी एनी टाइम बैंकिंग सर्विस लो कॉस्ट एंड क्विक इंस्टॉलेशन एंड दैट आर देनिफिट रिलेटेड टू द एचडब्ल्यू ए

टीसी को यानी कि टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड को यहां पर अलॉ किया था एज अ फर्स्ट सर्विस प्रोवाइडर जो कि व्हाइट लेवल एटीएम को इंडिया में लॉन्च कर पाए अब यहां पर व्हाइट लेवल एटीएम होता क्या है व्हाइट ट्रेबल एटीएम टी इज बेसिकली रिलेटेड टू जो कि यहां पर किसी बैंक के द्वारा एटीएम सेटअप नहीं किया जाएगा बल्कि किसी एनबीएफसी के द्वारा यहां पर एटीएम जो है वो यहां पर सेटअप किया गया है विच विल बी विच विल बी बेसिकली सेटिंग द ओवर देयर एंड फर्दर उनके थ्रू यहां पर जो डिफरेंट बैंक के जो कार्ड होल्डर्स है वो यहां पर ट्रांजेक्शन कर पाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर जून 2012 में इसके रिलेटेड गाइडलाइन जो थी व्हाइट लेबल ए के रिलेटेड वो यहां पर इशू की थी, थी कि वो यहां पर बैंकिंग सर्विसेज को कंट्री में कैसे और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं क्योंकि बैंक्स की भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी कि वो यहां पर कुछ एक अमाउंट से ज्यादा नंबर से ज्यादा यहां पर एटीएम्स को इंस्टॉल नहीं कर पा रहे थे

जनरल क्राइटेरिया अगर हम यहाँ पर नॉन बैंक एंटिटीज की बात करते हैं तो उसके बारे में देख लेते हैं तो यहां पर ऑथराइज जो नॉन बैंकिंग एंटिटी है जिनको यहां पर ये यह कहा गया है कि वो यहां पर व्हाइट लेवल एटीएम को सेटअप कर सकते हैं उनको फ्रीडम दी गई है इस चीज के रिलेटेड कि वो यहाँ पर लोकेशन को चूज कर सकते हैं लेकिन उनको यहां पर उनको यहां पर जो उनके एनुअल टारगेट्स है उनके साथ अदेयर करना पड़ेगा रिलेटेड टू कि यहां पर उनको टीयर वन टीयर टू एंड टीयर थ्री से लेकर टीयर सिक्स में जो भी यहां पर गाइडलाइंस है उनके रिलेटेड यहां पर नंबर ऑफ एट को वाइट लेवल एम्स को सेटअप करना पड़ेगा जैसे कि मान लीजिए अगर कहा गया कि टीयर थ्री से टीयर सिक्स रीजन में आपने यहां पर हंड्रेड एटीएम सेट करने है या ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द एम्स रीजन में सेट करने है तो उनके केस में उनका एनुअल टारगेट उनको कंप्लीट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर रिगार्ड में एंड फॉर द कार्ड इश्यूड

डिपॉजिट है वो यहां पर नहीं हो पाएगा फर्दर जो डब्ल्यू एल ए ऑपरेटर जो है उसके पास जो स्टेटस होगा वो विल बी रिक्वायर्ड विल बी रिलेटेड टू द एक्वायर ओले वो सिर्फ और सिर्फ एक्वायरर का स्टेटस होगा एंड फर्दर वो यहां पर एक्वायरर के स्टेटस के रिलेटेड जो इंटरचेंज फीस है सिर्फ वही उसके द्वारा अर्न की जाएगी जो है वुड बी परमिटेड टू अर्न एक्स्ट्रा रेवेन्यू एक्स्ट्रा रेवेन्यू कैसे अर्न करेंगे वो एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं यानी कि जो भी यहां पर वैल्यू एडेड सर्विसेज है जो ऑफर की जा रही है उनके रिलेटेड वो यहां पर एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं जिनके रिलेटेड वो यहां पर एक्स्ट्रा फीस चार्ज करेंगे टू द एडवर्टाइजर यानी कि जो पर्सन कर, एडवर्टाइज करना चाहता है उससे वो एक्स्ट्रा फीस चार्ज करेंगे फॉर द बींग नॉन बैंकिंग ए क्योंकि ये जो व्हाइट लेबल ए है ये नॉन बैंकिंग ए है तो यहाँ पर जो फ्री ट्रांजेक्शन वाला कंसेप्ट है वो यहाँ पर डब्ल्यू के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन चाहे वो पहली आपकी ट्रांजेक्शन अगर आप व्हाइट लेबल ए के ऊपर कर रहे हैं तो वो यहाँ पर चार्जेबल ट्रांजेक्शन होगी द चार्जेज फॉर द ट्रांजेक्शन शुड बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन जो भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन के लिए चार्जेस लगे होंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर आपको शो करने होंगे बिफोर द कस्टमर ट्रांजेक्शन ओके एंड फर्दर द डब्ल्यू एल एपरेटर वुड नॉट बी एंटाइटल टू एनी अदर फी देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि यहां पर ईश्वर बैंक से यहां पर डब्ल्यू एल ऑपरेटर को और कोई भी पैसा और कोई भी यहां पर कमीशन वगैरह नहीं मिलने वाली है अदर देन द इंटरचेंज फी पेबल टू एक्वायर यानी कि जो यहां पर बैंक एटीएम होता है वो एक्वायर को क्या पे करता है वो बैंक को यहां, को यहां पर फीस पे करता है इंटरचेंज फी पे करता है सिर्फ और सिर्फ वही फीस यहां पर ईश्वर बैंक के द्वारा पे की जाएगी टू द डब्ल्यू

अगर हम रेगुलेटरी गाइडलाइंस की बात करते हैं रिलेटेड टू रिलेटिंग टू कंपनसेशन फॉर फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शन वो यहां पर WLA के ऊपर भी अप्लाई होंगी यानी कि अगर फेल्ड ट्रांजैक्शन होती है तो उन ट्रांजैक्शन को यहां पर सेटल करना होता है तो जो उनके रिलेटेड गाइडलाइंस है वो यहां पर व्हाइट लेबल एटीएम के ऊपर भी यहां पर लागू होंगी तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म कर देते हैं आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ टेंट फुल कोर्स वीडियो जो है वो यहां पर अवेलेबल है एट अवर वेबसाइट आई आई बी एफ डॉट इन वो एंड यू कैन आल्सो डाउनलोड अवर एंड्रॉइड एप्लीकेशन फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर सो जल्दी से जल्दी वेबसाइट को विजिट कर लीजिए वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए एंड रेट कर दीजिए आउट ऑफ टेन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है अगर वीडियो में कोई कमी पेश लगती है तो काइंडली प्लीज डू सजेस्ट भी ताकि हम अपनी वीडियो की क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव कर पाए एंड फर्दर वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर फीडबैक रिलेटेड टू इट एंड अगर आपको कोई क्वायरी रहता है रिलेटेड टू अर कोर्सेज तो आप हमें यहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर